बिहार में बगावत का महाबिगुल, आरजेडी में तोड़फोड़ और मरम्मत जारी। अलग हुए 13 विधायकों में से 6 विधायकों का इनकार, फर्जी है 12 विधायकों की लिस्ट। विधायकों ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया दावा, गलत तरीके से कराए गए हस्ताक्षर। इस तरह भी हम लोगों ने सपना में भी दल बदल करने का कोई सोचा ही नहीं है। दस्त की बात को दूर है, किसने भी किया है, उसने फ्रॉड किया है। विधानसभा सचिवालय से जारी नोटिफिकेशन में थे 13 नाम, कुछ ही घंटों में बदला खेल। पहले सम्राट चौधरी ने किया था टूट का दावा, कहा हमारे साथ है 13 विधायक। तमाम विधायक हैं, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, अब्दुल इस्लाम साहिन साहब हैं, जावेद इकबाल अंसारी साहब हैं, रामलसन राम रमन जी हैं, दुर्गा प्रसाद सिंह जी हैं, अब्दुल गफूर साहब हैं, ललित कुमार यादव जी हैं, अनिरुद्ध यादव हैं, जितेंद्र राय हैं, तमाम लोग 13 लगातार। आरजेडी ने कहा अगर खुलकर सामने आते हैं विधायक, खत्म हो सकती है उनकी सदस्यता। आरजेडी ने टू के लिए जेडीयू को ठहराया जिम्मेदार, लालच देकर तोड़ने की साजिश। चूंकि नीतीश कुमार जी अभी अल्पमत में है, उनकी सरकार अल्पमत में है, इसलिए वो इस तरह की साजिश करके, ऐसी चर्चा चला करके कि राजद टूट गया और राजद के विधायक अलग थलग हो गए, इसमें कोई सत्यता नहीं है। बिहार विधानसभा में है आरजेडी के 22 विधायक, दल बदल के मुताबिक कम से कम 15 विधायकों का एक साथ अलग होना जरूरी। खबर सुनते ही लालू यादव ने जताई थी हैरानगी, कहा पता करेंगे सब सच नहीं। लालू जी पार्टी में भी सब सच नहीं है, हम पता कर रहे हैं। बीजेपी ने भी जेडीयू पर किया वार, अपने विधायकों पर नहीं है भरोसा, बिहार की जनता सिखाएगी सबक। जेडीयू को अपने विधायकों पर भरोसा कम है तो दूसरे दलों से कैसे विधायक तोड़े जाएं, जोड़ तोड़ में लगी हुई है सरकार और सत्ता का जितना दुरुपयोग हो सकता है उसको करके वो जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता उनके साथ नहीं है। हाँ ये सही है के सत्ता उनके पास है और सत्ता का जता। चुनाव से पहले बीजेपी बढ़ा रही है कुंभा, बिहार और यूपी के दलित नेताओं को बीजेपी से जोड़ने की कोशिश। इंडियन जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष दुर्गराज ने शामिल हुए बीजेपी में, दिल्ली में बीजेपी नेताओं की मौजूदगी, दुर्गराज ने थामा कमल का दामन। कांग्रेस और आरजेडी को बड़ा झटका, बिहार में बीजेपी के साथ रामविलास पासवान की पार्टी का हो सकता है गठबंधन। एलजेपी नेता सूरजभान सिंह का दावा, बीजेपी और एलजेपी में हो चुका है गठबंधन, बस औपचारिक ऐलान बाकी। बीजेपी से गठबंधन को लेकर रामविलास पासवान खामोश, नीतीश चिराग ने कहा संसदीय बोर्ड की बैठक में होगा फैसला। रामविलास पासवान से गठबंधन की खबर पर भड़के बिहार बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे, कहा पासवान ने जिंदगी भर मोदी को कोसा। चौबे ने शाहनवाज हुसैन पर भी गुस्सा उतारा, कहा उन्हें मुस्लिम एरिया से लड़ना चाहिए, उनके लिए छोड़े भागलपुर की सीट। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने एलजेपी से गठबंधन की जानकारी से किया इनकार, कहा सच्चाई नहीं है पता। मैंने मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि क्या बात चल रही है। राजनीतिक गलियारों में संभव है सब चीजें सर? अब मैं समझता हूँ कि ऐसी चर्चाएं तो होती रहती हैं, लेकिन इसमें सच्चाई क्या है इसकी अभी मुझे जानकारी नहीं है। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा निजी फायदे के लिए बीजेपी के साथ जा रहे हैं पासवान, लेकिन इसका हमारी पार्टी को फायदा नहीं। तेलंगाना को लेकर बीजेपी में चढ़ा ट्विटर वॉर, बीजेपी प्रवक्ता निर्मला सीतारमन के
रीट्वीट पर भड़की सुषमा स्वराज। सुषमा ने किया रीट्वीट, जब निर्मला सीतारमन जैसी प्रवक्ता हो तो दुश्मनों का क्या काम। निर्मला सीतारमन ने किया था रीट्वीट, कहा था सीमांत पर सुषमा स्वराज को बोलना चाहिए था। रीट्वीट में यह भी कहा गया था कि सीमांत पर अरुण जेटली और वेंकैया नायडू बोले थे, लेकिन सुषमा स्वराज की चुप्पी पर किसी ने उठाए थे सवाल। विवाद बढ़ता देख दोनों ने अपना ट्वीट हटाया, लेकिन दोनों की लड़ाई से पार्टी बाहर आया अदरखाने का झगड़ा। हरियाणा के सोनीपत में किसानों के साथ राहुल की चौपाल, किसानों का जाना हाल। राहुल के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश भी थे मौजूद। सोनीपत में किसानों के बीच से राहुल ने मोदी पर बोला हमला, कहा गुजरात के कच्छ में किसानों को बाहरी बताकर हमला किया गया। सालों से हम काम कर रहे हैं, सालों से हम पसीना दे रहे हैं, और एक दिन इनसाइडर आउटसाइडर बन गया। राहुल गांधी ने कहा महाराष्ट्र यूपी बिहार वाले बाहरी बता दिए जाते हैं, कांग्रेस सभी को रखती है अपने साथ। भट्टा परसौल को लेकर जयराम रमेश ने राहुल से पूछा सवाल, राहुल ने कहा यूपी सरकार ने जमीन लेकर फॉर्मूला वन मैदान बनाया। यूपी की सरकार एक दिन ऑर्डर देती थी दूसरे दिन गायब, कहीं फॉर्मूला वन ट्रैक बना दिया। फॉर्मूला वन ट्रैक को एक बार साल में यूज किया जाता है, एक बार, ठीक है, और वो भी भैया आपने देखा है कैसे मतलब चल रहा है। राहुल गांधी ने वाजपेयी और अडवाणी पर भी बोला हमला, कहा कंप्यूटर के लिए दोनों ने राजीव गांधी का विरोध किया, अब इसका श्रेय ले रही है बीजेपी। जब काम करने वाला चला गया वो लोग खड़े हुए और प्रमोद महाजन जी ने कहा कंप्यूटर का काम हमने किया। चौपाल में बैठे किसानों को नहीं मिला सवाल पूछने का मौका, जयराम रमेश खुद ही पूछते रहे सवाल। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी, गैस की कीमतों पर मांगा जवाब। केजरीवाल ने चिट्ठी में राहुल से पूछा क्या वीरप्पा मोइली को वो देंगे टिकट, मोइली पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। टीआरएस चीफ के चंद्रशेखर राव राहुल गांधी से मिले, अलग तेलंगाना राज्य के लिए जताया आभार, कल सोनिया से मिले थे राव। राम सिंह यादव ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम रद्द किया, आज एक सेमिनार में लेना था भाग। मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर एएमयू के टीचर यूपी सरकार से हैं खफा, मुलायम के आने का कर रहे हैं विरोध। मेरठ में एक तेंदुए का तांडव, कल शहर में घुसा, रात भर तलाशा गया तेंदुआ, अभी तक नहीं आया हाथ। एक घर में घेरा गया था तेंदुए को, लगाया गया बेहोशी का इंजेक्शन, लेकिन दीवार तोड़कर भाग गया तेंदुआ। सदर थाने के इंस्पेक्टर को किया घायल, प्रशासन ने शहर में जारी किया अलर्ट, बच्चों को घर से न निकलने की अपील। जोर शोर से की जा रही है तेंदुए की तलाश, स्थानीय लोग भी प्रशासन की कर रहे हैं मदद। तेंदुए के डर से शहर के स्कूल बंद, खौफ से बाजारों के शटर डाउन।